ये गौशाला के सुल्तान हैं सुनने ये गौशाला के सुल्तान है गौशाला के हैं सर तांडव का तांडव जारी है किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और ये देखिए तार बंधा हुआ है देखिए सांड निकल गया के बांस बल्ली भी बांधी गई हैं ये देखिए तार भी बंधा हुआ है लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 सांड इस खेत में घुसे हुए हैं ये उड़द का खेत है इसमें उड़द की दाल बोई हुई है और देखिए ये सांड फसलों को बर्बाद कर रहे हैं किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं आप जरा अनुमान लगाइए कि इस दाल में कितनी लागत लगी होगी खेत में पानी की सिंचाई क्या है बिजली का बिल क्या है और किसान ये देखिए ये आप ही का खेत है भैया ये कहाँ का खेत है उड़द की दाल है फसल तो आपकी बर्बाद हो रही थी अरे बहुत ज्यादा सबसे नुकसान गए हैं क्या कहेंगे अब तो गौशाला वगैरह योगी जी बनवाए हैं सब गौशाला कोई कुछ होते नहीं गौशाला ये गौशाला के सामने गौशाला के सब क्या कहेंगे सबके देखो नंबर लगे हैं सब गौशाला के सामने अच्छा एक बड़ी चीज आपको हम बता दें कि जरा बिल्ले भी लगे हैं जरा ध्यान से जरा दिखाने की कोशिश करो कान में इनके सब बिल्ले लगे हैं और ये जितने सांड हैं सब ये गौशाले के हैं मतलब कि गौशाले से कई बार वहाँ हाँक लेकर हैं उनका छोड़ आए थे हाँ। लेकिन साले फिर छोड़ देते मतलब कि वापस फिर आ जाते फिर आ जाते छोड़ कौन देता है वही वहाँ जो कर्मचारी उनके हैं मतलब कि जो गौशाले के गौपालक हैं हाँ हाँ वही वो छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं वहाँ कुछ खा पिए खाई नहीं इनका छोड़ देते और भाई इनका हाँ कर लीजिए और साले फिर सब कल दिखा पी रही है मतलब फिर खेत में आ जाते फिर आ जाते आपकी फसल तो लगभग उधर सब चरे डाले हैं ये तो देख रहे थे खत्म कर दें पूरा खेत ये उड़द का खेत है उड़द का है आप ही का है हाँ। कितनी लागत लगी होगी इसमें अरे बहुत लागत लगी कि मैं कम से कम 6 तो स्प्रे किया है 6 बार धुलाई की है 6 बार स्प्रे अब तक किराए में लग रहा है बाकी जो राख हुआ अब एक यहाँ मिट्टी हुई है हाँ। गिरा सब खा जा रहे हैं अच्छा पानी की सिंचाई क्या है परमानेंट यहाँ जो है एक लेबर परमानेंट बचा हुआ थे तनी देर खाते चले गए तो यह हालत है देखो अच्छा सिंचाई के पैसे वैसे क्या पड़ते हैं सिंचाई 150 रुपये आप बताओ भाई किसान जो है चारों तरफ खेत के बचाव के लिए तार भी बांध रहा है लेकिन फिर भी जो है फसलें सुरक्षित नहीं रह रही हैं गांव में गौशाले वगैरह बनवाए जा रहे हैं उनका भी कोई फायदा नहीं निकल रहा है बताते हैं कि ये जो सांड हैं ये गौशाला के ही सांड हैं इनके कान में ये बिल्ला वगैरह क्या बोलते हैं वो सब लगा हुआ है सब लगा इनका वहाँ जाओ कह के वो गौशाला में ये सब शाम को समय पहुँच गए सुबह फिर छोड़ दें इस खेत में अभी फसल तैयार हो रही है तैयारी पे है लगभग लेकिन जानवरों का तांडव शुरू हो चुका है गर्मी बिल्कुल कड़ाके की हो रही है और इस गर्मी के बीच में किसान अपनी फसलों को दोपहरिया के समय बचाने के लिए देखें किस तरह से भाग दौड़ करना पड़ता है ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई किसान आत्महत्या करे ना तो क्यों ना करे कुछ वजहें हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं गुजर रहे थे यहां से तो मुझे खेतों में दिखा कि सांडों का तांडव जारी है किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और ये देखिए तार बंधा हुआ है देखिए सांड निकल गया तार का कोई मतलब नहीं निकल रहा है जो बैरिकेडिंग करी गई है चारों तरफ इस खेत के तार वार लगाए गए हैं ये देखिए बांस बल्ली भी बांधी गई हैं ये देखिए तार भी बंधा हुआ है लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि किसान आते हैं घुस जाते हैं और खा पी के अपना यहाँ से निकल जाते हैं किसानों का कहना है कि ये जो जानवर हैं ये गौशाले के ही जानवर हैं वहाँ पर खाना नहीं मिल पाता इस वजह से गौपालक इनको छोड़ देते हैं और ये किसानों की फसलें बर्बाद करना शुरू कर देते हैं खैर मैं यहाँ से गुजर रहा था मुझे ये नज़ारा दिखा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही तो हमने सोचा क्यों ना इसको आपको दिखाया जाए खैर इसके पीछे बड़ी वजहें क्या हैं और ये फसलें किसकी वजह से बर्बाद हो रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ बने रहे हमारे साथ देखते रहे भारत एक सोच क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित लखनऊ